हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के बारे में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है, मीन्स कितने शॉर्टकट तरीके से बनाना है, तो वो हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को शिफ्ट वाइज बता रही हूं, तो वो काफी हेल्पफुल रहेंगे के आरआरबी जेई एग्जाम के लिए, वो भी सीबीटी 1 के लिए। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का 9 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 3 शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम हुआ था। अगर जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग वन बाय वन अच्छे से देख लेते हो, मीन सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप लोग को आरआरबी जेई सीबीटी 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स इजिली आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के क्वेश्चन थे। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। निम्न प्रदर्शित वेन डायग्राम के अनुसार बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ होगा। देखो, आपको यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं जो कि इस वेन डायग्राम से लिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मींस बिग क्लेवर पैरोट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेन डायग्राम। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बिग क्लेवर पैरोट में, पैरोट का वेन डायग्राम में अर्थ क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सी है, एफ है, बी है, एम है, किस तरीके से निकालना है, तो वो देखो। बिग का यहाँ पे दिया हुआ है कि बिग के लिए मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। बिग के लिए रेक्टेंगल, तो आपका रेक्टेंगल ये है और रेक्टेंगल में बी सी डी ई चारों आपके लेटर आ गए। उसके बाद है क्लेवर, क्लेवर के लिए यहाँ पे देखो, क्लेवर के लिए उसने ट्रायंगल का यूज किया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया। और स्क्वायर को पैरोट से शो किया है, या बोल सकते हैं कि पैरोट को उसने स्क्वायर से शो किया है, तो आपका स्क्वायर का पोर्शन क्या है, तो ये हो गया। पूछा क्या जा रहा है, बिग क्लेवर पैरोट। अब देख लो कि तीनों में जो आपका लेटर कॉमन हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ। देखो, सारे में कॉमन कौन है, मींस आपका ये सारे फिगर को अच्छे से देखो और सारे लेटर को अच्छे से देखो, जो कॉमन आ गया तो समझ जाना कि बिग क्लेवर पैरोट का मींस वो हो जाएगा। तो आप लोग इस सी को देखो, सी को देखो, सी जो है वो रेक्टेंगल में भी आ गया, आपका स्क्वायर में भी आ गया और आपके ट्रायंगल में भी आ गया, तो बोल सकते हैं कि सी का मतलब होगा बिग क्लेवर पैरोट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किस तरीके से प्रोसीड करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो वो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन में आप लोग को मिनिमम 15 सेकंड लगना चाहिए, मैं आप लोग को अच्छे से समझा रही हूँ इसलिए ज्यादा डिस्कस के साथ आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। चलो एक बार देख लेते हैं। दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और वाई पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। एक्स और वाई के बीच सबसे कम दूरी क्या है। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में गिवन है, जो लैंग्वेज आपको इजी लगे उससे रीड करके आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। डायरेक्शन सेंस के लिए सबसे इजी फिगर होता है कि आप एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लो। पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ए। ए कहने का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है। ठीक है, कि ओरिजिन को मैंने मान लिया कि ए यहाँ पे है और यहाँ से जो है एक्स और वाई दोनों स्टार्ट कर रहा है। एक्स मूव्स 20 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। साउथ देखो आपका नीचे है, एक्स जो है वो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, यानी ए पोजीशन यहाँ, ये जो है एक्स जो है वो यहाँ से साउथ की तरफ चला गया, ये आपका एक्स, और कितना किलोमीटर गया, तो वो 20 किलोमीटर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड वाई मूव्स 15 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, और इसी पोजीशन से वाई जो है वो ईस्ट की तरफ गया, वाई जो है वो ईस्ट की तरफ गया और कितना, तो वो गया आपका 15 किलोमीटर। ठीक है,
एक्स गया साउथ में 20 किलोमीटर एंड वाई जो है वो 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, याद रखना, देखो आपके जो आंसर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत देखते हैं कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो 20 प्लस 15 35 और 35 किलोमीटर पिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जब भी बनाओ तो कम से कम लास्ट पैरा जो भी होता है या लास्ट स्टेटमेंट जो भी होता है तो उसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे उसने डिस्टेंस नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, जहां पे इसने लास्ट किया 15 किलोमीटर चल के जिस पॉइंट पे पहुंचा और 20 किलोमीटर जहां पे पहुंचा, ये हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसे कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आप गया 400 और प्लस 15 का हो गया 225। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 625, और 625 किसका है तो वो हो जाएगा आपका 25। यानी क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किसी भी तरीके का अगर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आता है तो आप लोग फिगर ड्रॉ करना मत भूलना। अगर फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक में हमेशा होता है, ए बैंक ऑलवेज हैज एन लॉकर, खाता धारक, एटीएम या प्रबंधक। ठीक है, सारी का आप लोग इंग्लिश देख लो कि लॉकर होता है या अकाउंट होल्डर होता है, एटीएम होता है तो मैनेजर होता है। तो पता है कि बैंक में हमेशा क्या होता है, तो अकाउंट होल्डर, कहने का मतलब जिसका वहां पे खाता होता है वो तो सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि बैंक में होता क्या, हमेशा होता है, तो वो खाता धारक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate टर्म फॉर द गिवन सेट ऑफ आइटम्स। देखो आपको तीन फिगर दिया हुआ है और तीनों फिगर से रिलेटेड एक वर्ड बताना है, जिस वर्ड से रिलेटेड ये तीनों फिगर होगा। सबसे पहला फिगर देखो कि सन राइज हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, मेघ जो गरजता है तो एक लाइट जो होता है वो निकल रहा है, तीसरे में देखो टोपी लगाया हुआ है, मीन्स ठंड का मौसम है। ये तीनों क्या शो कर रहा है, तो ये तीनों सीजन शो कर रहा है, यानी मौसम शो कर रहा है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोड में यदि PEARLS पल्स को 823745 लिखा जाता है और ज्वेलर्स को 926245 लिखा जाता है, तो इसी कोड में वियर्स को कैसे लिखा जाएगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, तो ये देखो आप दोनों, आप पल्स और ज्वेलर्स दोनों वर्ड को नोटिस करना। यहाँ पे ई है, इसमें भी ई है, देखो यहाँ पे अगर सेकंड लेटर ई है और यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ लेटर ई है, तो यहाँ पे देखो टू कॉमन है और यहाँ पे टू कॉमन है, यानी हम लोग दोनों वर्ड को देख के बोल सकते हैं कि जिस पोजीशन पे वो है उसी पे नंबरिंग किया गया, यानी ई का मतलब 2 हो जाएगा, पी का मतलब 8 हो जाएगा, ए का मतलब 3 हो जाएगा, आर का मतलब 7, एल मतलब 4, एस मतलब 5। इसी तरीके से इसको कोड किया गया है, डिकोड किया गया है। तो क्या हम लोग वियर्स का नहीं लगा सकते, यहाँ देख लो एस है, तो एस के लिए कौन सा है, तो एस के लिए 5 है। जैसे ही मैंने 5 पिक किया तो आपके दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, अभी भी आपके दो ऑप्शंस सेम जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आर है और आर के लिए क्या है, तो 7 है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि आप लोग वियर्स को लिखो और सारे कोड को डिकोड करो कि एस का 5 होगा, आर का 7 होगा, ए का 3 होगा, ई का 2 होगा एंड W का 6 होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर सारे ऑप्शंस मैच कर जाते, मीन 62374 होता, 62375 रहता, इस तरीके से रहता, तो हम लोग को सारे कोड को देखने की जरूरत पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैंने एक दो कोड को चेक करके डायरेक्ट आंसर पिक कर लिया। तो आप लोग भी इस तरीके का ट्रिक यूज कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथन को देख के ये बताना है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। पूछा क्या जा रहा है कि कौन से कथन से आप छात्र की संख्या निकाल सकते हो, जिससे निकल जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग कथन देखते हैं। सबसे पहला कथन है कि श्री एक्स का रैंक कक्षा में ऊपर से 15 है। ऊपर से कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट से 15 है। पहले कथन को देखना, पहला कथन है ऊपर से 15 है। ऊपर से कहने का मतलब बोल सकते हो कि लेफ्ट से 15 है। लेफ्ट से कहाँ है तो 15 है। इसी तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। पहले स्टेटमेंट से सिर्फ मुझे इतना पता है कि एक्स का रैंक जो है वो कक्षा में ऊपर से 15 है, या बोल सकते हो कि लेफ्ट से 15 है, ठीक है। इससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, श्री एक्स का रैंक कक्षा में नीचे से 26वां है। नीचे से कहने का मतलब बोल सकते हो कि लास्ट पोजीशन, यानी राइट से उसका पोजीशन कहाँ है तो 26 है। फिर से बता रही हूँ, ऊपर से कहने का मतलब लेफ्ट से एंड नीचे से कहने का मतलब हम लोग राइट से ले रहे हैं। हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट से भी डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि छात्रों की कुल संख्या क्या है, लेकिन हाँ अगर दोनों को हम लोग मिला देते हैं, मीन्स स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर कर देते हैं, तो हो सकता है कि आंसर निकल जाए। आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि टोटल इक्वल्स लेफ्ट पोजिशन प्लस राइट पोजिशन माइनस वन होता है। लेफ्ट से देखो दोनों में एक्स आपका कॉमन है, क्यों? क्योंकि x का पोजीशन लेफ्ट से बोल रहा है, x का पोजीशन राइट से बोल रहा है। तो क्या हम लोग टोटल नहीं निकाल सकते? तो लेफ्ट कितना है तो 15 है, राइट कितना है तो 26 है, और ये माइनस वन कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। यानी बोल सकते हैं कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है तो 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। यानी बोथ का यहाँ पे केस बन रहा है कि जब दोनों को हम लोग टुगेदर कर देते हैं तब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्क पूर्ण अनुसरण करता है। ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। जो भी आपका कथन दिया हो तो उसको 100% सही मान के चलना है, ठीक है। अगर ये कथन 100% सही है तब देखो आप लोग इस स्टेटमेंट को देख के कौन कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो। पहला निष्कर्ष है कि इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद ले, तो ये आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही है। व्यस्त बाजार में अगर फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है भीड़ वाले, तो अगर उन लोगों को हटाना है तो मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इस कथन से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए, तो ये कथन भी सही है। अगर इन लोगों को हम लोग अगर कुछ जगह दे दे कि अपना माल बेचने के लिए कि यहाँ पे आप लोग अपना माल बेच सकते हो, तब वो लोग फुटपाथ जाम नहीं करेंगे, ये कथन भी सही है। यानी बोल सकते हैं कि इस कथन से दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका बोथ का केस बना कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और उसके आधार पर करें कि नीचे दिए गए अनुमानों में से कौन सा या से उसमें निहित है। आपको एक तर्क दिया गया है और अनुमान लगाना है, मीन्स आर्गुमेंट एंड एजम्पशन का क्वेश्चन है। तर्क बोला जा रहा है कि एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर जाना है। तर्क दिया हुआ है 100% लेके चलना है, कि जो भी तर्क दिया है वो 100% आपका सही है, ठीक है। इसी तर्क पर विचार करके अनुमान लगाना है कि अनुमान सही होगा या नहीं। अनुमान भी 100% होना चाहिए। अगर 100% अगर श्योर है तब वो आपका अनुमान बिल्कुल सही होगा। तो
तो सबसे पहला अनुमान है कि बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है। मैंगलोर जाना चाहता है इसलिए तो उसके पिता उसको बता रहे हैं कि मैंगलोर जाने के लिए आपको चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बैंगलोर से होके जाना है। मैंगलोर जाना चाहता है इसलिए उसके पिता उसको सलाह दे रहे हैं कि बैंगलोर से होके जाओ, तब छोटा वो रूट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो कि पिता हर किसी को सलाह देते, यहाँ पे पिता जो है अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हर का यूज होना सही है? तो ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। ऐसा अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि पिता हर किसी को सलाह देता है। ठीक है, यानी इस तर्क का अनुमान सिर्फ वन होगा कि बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, यानी ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लीसिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या है। आपको एक वेन डायग्राम यहाँ पे गिवन है और सारे सिंबल से उसने बता दिया है कि बॉय को हम लोग स्क्वायर, एथलेटिक को हम लोग सर्कल, गर्ल्स को ट्रायंगल एंड डिसिप्लिन्ड को रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे देख लेना आप लोग, लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। लड़कों की संख्या कहने का मतलब आपको स्क्वायर देखना है। चलो सबसे पहले मैंने लड़कों की संख्या देख ली स्क्वायर, ओके। बोला जा रहा है कि गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की संख्या बताइए। तो गैर खिलाड़ी यानी नॉन एथलेटिक, एथलेटिक के लिए सर्किल है, यानी सर्किल के जो बाहर होगा, सर्किल के से जो बाहर होगा, सर्किल आपका ये है। चलो एक मिनट के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एथलेटिक है, ठीक है। और बोल रहा है कि अनुशासित, अनुशासित के लिए क्या है, तो ये आपका रेक्टेंगल है। क्या है, तो ये आपका रेक्टेंगल। चलो अब देखते हैं कि गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या है। तो लड़कों के लिए आपका क्या है, तो ये आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन। अनुशासित, अनुशासित के लिए क्या है, तो ये रेक्टेंगल है। लेकिन बोल रहा है कि वो है गैर खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या है, तो खिलाड़ी सर्किल के अंदर है, तो गैर खिलाड़ी कौन होगा, तो ये हो जाएगा वन। वन एक ऐसा लड़का है या कुल लड़कों की संख्या एक होगी जो नॉन एथलेटिक होगा और अनुशासित होगा, यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। UE5, TF4, SG6, RH7। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, बहुत लोग छोड़ के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, UE5, TF4, SG6, RH3। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो चलो सबको वन बाय वन देखते हैं। आपको यहाँ पे पूरा निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपके चारों ऑप्शन में Q एंड I कॉमन है। देखो हो क्या रहा है, U से T हो रहा है, -1 हो रहा है, T से S हो रहा है, -1 हो रहा है, S से R हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो R से क्या होगा, तो होगा आपका Q यानी -1, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ई है, ई से एफ हो रहा है यानी +1 हो रहा है, एफ से जी हो रहा है यानी +1 हो रहा है, जी से एच हो रहा है +1 हो रहा है, तो एच से क्या होगा, तो आई होगा यानी +1 हो रहा है। चलो मैंने क्यू एंड आई पता कर लिया, लेकिन आपके अभी सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब बताओ कि ये 5, 4, 6, 3, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 5, 4, 6, 3 एक साथ अगर सीरीज हम लोग बनाते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा पता लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, अगर यहाँ पे 5 से 6 हो रहा है यानी +1 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है यानी -1 हो रहा है, तो क्या ये टर्म कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 7 पे, यानी 5 + 1 6 जा रहा है, तो 6 + 1 7 जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि QI7 इज द राइट आंसर। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक के साथ नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन है, तो देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग चाहो तो QI डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, डायरेक्ट नीचे का कोड आप लोग पता कर लो कि 5, 4, 6, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो वो 7 और डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही समरूप शब्द युग
का चयन करें। सेलेक्ट द ऑप्शन इज विच द टू वर्ड आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड इन द गिवन पेयर आर रिलेटेड। अगर तेज का रिलेशन धीमा के साथ है, तेज का रिलेशन अगर धीमा के साथ है तो उसी तरीके का रिलेशन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रुकना का समाप्त करना, ऐसा कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। घूरना का झांकना, इंतजार करना का बने रहना, बढ़ाना का घटाना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तेज है, कोई चीज धीमा हो जाता है, उसी तरह कोई चीज ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग घटा देंगे। तो ये रिलेशन बिल्कुल सही जा रहा है कि तेज धीमा, तो बढ़ाना घटाना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। ये देखो, कुत्तों के रहने के घर को हम लोग कैनल बोलते हैं, तो उसी तरह शेर के रहने के घर को क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका डेन, जिसको गुफा बोला जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो MN पर मिरर को रखे जाने पर निम्न चित्र के सही मिरर चित्र को चित्रित करे। देखो, आपको एक फिगर दिया हुआ है और इसके ठीक राइट तरफ एक मिरर दिया हुआ है, और पता करना है कि इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा। चारों ऑप्शन आप लोग एक बार देख लो, सारे में तीर का जो ये एरो का निशान है वो अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए है, सारा का डायरेक्शन चेंज है। मीन्स इजिली आप लोग बता सकते हो, अगर इस फिगर का मिरर इमेज अगर हम लोग निकालते हैं तो जो आपको राइट में दिख रहा है तो मिरर में वो चित्र आपको कहाँ दिखाई देगा, तो वो आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिखाई देगा, और ये ऑप्शन सिर्फ एक में, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पूरा फिगर मिलाने की जरूरत नहीं, आप लोग इजिली बता सकते हो। क्या इस फिगर को कभी इस फिगर में कर सकते हैं ट्रांसफर? नहीं। इसमें कर सकते हैं? नहीं। इसमें कर सकते हैं? नहीं। जो फिगर है तो उसका मिरर इमेज ठीक उसका रिवर्स होगा, जो चीज आपको यहाँ दिख रहा है तो मिरर में वो चीज आपको यहाँ दिखाई देगा, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो क्या है। श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है और उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, किस तरीके से बनाना है तो आप लोग देखो। मिस्टर एक्स इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर वाई ग्रैंडफादर। मिस्टर वाई ग्रैंडफादर कहने का मतलब कि आपका ये वाई है और इसका ग्रैंडफादर, इसका ग्रैंडफादर क्या होगा, ये इसके पिताजी होंगे एक जनरेशन ऊपर, और ठीक इसके एक जनरेशन ऊपर जो होंगे तो ये हो जाएंगे वाई के ग्रैंडफादर। यहाँ पे फादर बोल रहे हैं तो इसका जेंडर प्लस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉय को हम लोग प्लस से शो करते हैं एंड गर्ल्स का अगर बात हो रही है तो वो माइनस से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो जनरेशन का गैप है। मिस्टर वाई ग्रैंडफादर यानी वाई के ग्रैंडफादर, वाई का मुझे जेंडर पता नहीं है कि वाई लड़का है या लड़की, ओके। मिस्टर एक्स इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर वाई ग्रैंडफादर। वाई के ग्रैंडफादर मीन्स ये और इसका एक लौता बेटा है कौन, तो वो है एक्स। बेटा यानी शन की बात हो रही है तो बोल सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव होगा। इस अकॉर्डिंग मेरा ये आपका फिगर तैयार हो गया। इफ मिस्टर एक्स हैज नो ब्रदर और सिस्टर, कहने का मतलब कि ये जो एक्स है इसका कोई भाई और बहन नहीं है। एंड हिज फादर इज मिस्टर वाई, एंड इसके पिताजी जो है वो मिस्टर वाई के ग्रैंडफादर है, इसके पिताजी इसके ग्रैंडफादर है। अगर इसके पिताजी इसके ग्रैंडफादर हैं तो बोल सकते हैं कि वाई के पिताजी ये हो गए और इसके पिताजी ये हो गए और इसके ग्रैंडफादर इसके ये ग्रैंडफादर हो गए। आपको रिलेशन पता चल गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देन मिस्टर एक्स इज मिस्टर वाई, एक्स जो है वो वाई के क्या लगेंगे। यहाँ वाई के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ एक्स के बारे में पूछ रहा है, और एक्स का जेंडर आपको पता है कि ये प्लस है, तो वाई का एक्स कौन लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका पिता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से अलग है। सेलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। सारे फिगर को आप लोग अच्छे से देखो, व्हाइट और ब्लैक की बात हो रही है, व्हाइट ब्लैक की बात हो रही है, व्हाइट एंड ब्लैक, यहाँ व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक,
व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, लेकिन इस फिगर को आप लोग देखो तो यहाँ पे व्हाइट ब्लैक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है, यानी फिगर वन जो है वो सबसे डिफरेंट है, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। इफ द नंबर x 4 5 6 2 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। एक नंबर है x 4 5 6 2 और बोला जा रहा है कि वो पूरी तरीके से 9 से विभाज्य है, तो आप लोग को नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी बाय 9 रूल बता चुके हैं कि 9 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा। तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करना, और ऐड करने के बाद अगर वो पूरा पूरी तरह से 9 से अगर कट जाता है तो समझ जाना कि ये पूरा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो आप लोग इसको काउंट करो, 5, 4, 9, 6, 15, 15 दो 17, यानी 17 प्लस x डिवाइडेड बाई 9। आप बताओ कि 9 से इस नंबर को डिविजुअल होने के लिए x को कितना होना पड़ेगा। तो अगर x बराबर 1 होगा तो 17 प्लस 1 18 बट्टा 9 और 9 दुनी 18, यानी अगर x का वैल्यू 1 होगा तो ये जो संख्या है वो पूरा पूरी डिविजुअल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो फेस वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स विच विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। 4, 8, 12, 24, 18 हो क्या रहा है, तो वो देखो 4 दुनी 8, 12 दुनी 24, तो क्या हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 18 दुनी क्या होगा, तो 36 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन इजिली बन जाता है तो उसमें ट्रिक यूज मत करना, ये नहीं कि 4 से 8 हो रहा है तो 8 से 12 कब होगा, 12 दुनी 24 तो 24 से 18 कब होगा, जरूरत क्या है। पेयर सबका बन रहा है कि 4 दुनी 8, 12 दुनी 24, तो 18 दुनी 36, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो और नेक्स्ट पे जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ द गिवन आइटम्स। देखो जो भी आपको आइटम दिए हुए हैं तो सबके लिए एक उपयुक्त आपको शब्द बताना है, वैसा शब्द बताना जिसमें ये तीनों फिगर आ जाए। तो क्या ये शीर्षक, बिल्कुल गलत है। ग्राफ नहीं, ग्राफ में चलो ये बोल सकते ये बोल सकते, लेकिन ये क्या इसको ग्राफ हम लोग बोलेंगे नहीं। गणित नहीं, ये एक तरह का एनालिटिक्स हो गया जिसमें विश्लेषणात्मक, जिसमें विश्लेषण करते हैं, ग्राफ को काउंट हम लोग करते हैं, ठीक है। कि ये तीनों जो है आप लोग का इसके लिए एक विशेष एक उपयुक्त शब्द है विश्लेषण, यानी एनालिटिक्स में ये तीनों तरीके का फिगर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों में से कीजिए। आपको एक फिगर दिया गया है, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। अगर ये फिगर यहाँ है तो आप लोग फिगर को कंप्लीट कर लो, तो ये क्या होगा, तो ये ऐसे होगा और इससे सटा हुआ ये आपका दो लाइन होगा। देख लो कि ये फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को सच माने और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है। कथन है कि ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है कि गति आनंद देती है परंतु जान लेती है। कथन को क्या करना है, तो सच मानना है, और मैंने सच मान लिया कि ट्रैफिक की गति आनंद देती है परंतु जान ले लेती है। अब धारणा देखो, तेज ड्राइव करे और रोमांस का अनुभव ले, ये आपका धारणा बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो आपका ये बोर्ड पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, उसने लिखा है कि गति आनंद देती है, बिल्कुल सही है, लेकिन जान भी ले लेती है, ठीक है। एक तरीके से आपको ये इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या आप ये धारणा को 100% सही बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, मीन्स ये आपका धारणा गलत है। सेकेंड है, तेज ड्राइविंग करने पर भारी दंड लगेगा, ये भी आपका गलत है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन कथन में नहीं दिया हुआ है कि तेज ड्राइविंग करने पे दंड लगेगा, मीन्स इस कथन के लिए दोनों धारणाएं बिल्कुल गलत है। बोल सकते हैं कि न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित है, नाइदर अजम्पशन 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह
जगह सही आकृति चुने। देखो आपको तीन फिगर दिया हुआ है और चौथे फिगर को बताना है। इस फिगर को देखो, ये फिगर और ये फिगर आपको सेम दिख रहा है, हो क्या रहा है? तो इस फिगर को उसने कलर किया और अंदर वाले को उसने व्हाइट किया, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे एक क्या होगा आपका स्क्वायर होगा और इसके अंदर का जो फिगर होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक होगा। तो चलो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखना, अगर यहाँ पे ट्रायंगल है तो उसके नेक्स्ट वाले फिगर में क्या किया है कि उसने स्क्वायर के अंदर उस चीज को रख दिया है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ये यहाँ जो फिगर होगा तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा पंचभुज के अंदर स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 23 × 19 को 437 लिखा गया है तो 0.0437 डिवाइडेड बाय 1.9 को क्या लिखा, तो क्या होगा? क्वेश्चन बहुत इजी है। 0.0437 को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट से यहाँ 10 आ जाएगा, इस पॉइंट से अगर करेंगे तो 10^4 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल, यानी 10^3। और 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 / 10^3, यानी बोल सकते हैं कि 0.023 द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो आज के सेशन का हम लोग एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे। कुछ हार्ड भी थे, कुछ इजी भी थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, ना ही तो ज्यादा हार्ड था और ना ही ज्यादा इजी था। कुछ क्वेश्चन आप लोग के इजी भी पूछे गए हैं, जो आई थिंक 5 सेकेंड काफी है, ठीक है। देखो अगर सारे क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर ले तो मीन्स 9 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक वो भी सारे शिफ्ट में, तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, वो भी रीजनिंग के लिए। मीन्स बोल सकते हो कि आप लोग 25 out of 25, नहीं तो 22-25 आप लोग इजिली मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। देखो अगर कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, रीजनिंग के कोई भी टॉपिक आप लोग बना रहे हो और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे फेसबुक पेज अनलिमिटेड एजुकेशन पे क्वेश्चन पोस्ट करो, वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और आरआरबी जेई का सीबीटी 1 होने से पहले आप लोग आई थिंक आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का सारा क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम ही होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफर कर जाए लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।